गिरिडीह में एक मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों ने खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उस पर सरकार ने रुख साफ कर दिया है। इस पर झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री की माने तो सबसे पहले आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है, उस पर चुनाव आयोग को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के मामले में सरकार गंभीर है, पुलिस प्रशासन द्वारा उस मुखिया प्रत्याशी और उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मंत्री जी से जब यह पूछा गया कि मंत्री जी क्या देशद्रोही का मामला उस पर दर्ज होगा या सरकार का कितना गंभीर है, तो मंत्री झलझला गए। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि गिरिडीह के पत्रकारों को इसका चिंता नहीं है, लेकिन ओवरटेक कर बोकारो के पत्रकारों को काफ़ी चिंता है। लेकिन तब भी मंत्री ने स्पष्ट किया है कि वहाँ के जिला प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई करेगी। किसी तरह का वायलेंस पहले आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है तो चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे ओबीसी आरक्षण मामले पर पूछा गया तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की माने तो न्यायालय में आज सुनवाई चल रही है, इस पर कुछ कहना गलत होगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर होगा सरकार को मान्य होगा। एक कोर्ट की मामला, कोर्ट के मामले में क्या निर्णय आएगा, निर्णय के पहले बोलना कहीं से उचित नहीं बनता। क्या निर्णय आएगा नहीं आएगा तो कोर्ट में कहेगा, माननीय उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का बात है, तो हम लोग क्या बोलते हैं। जो कानून संगत है, कानून कोर्ट नियम से चलता है, कानून से चलता है, जो आएगा उसे पालन किया जाएगा। राज्य में मुखिया का चुनाव हो रहा है, एक गिरिडीह में मुखिया प्रत्याशी हैं, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, राज्य सरकार कितनी गंभीर और उन पे क्या कार्रवाई करने जा रही है? वो कानून काम करेगा, मेरे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है। वो कानून यदि उस तरह का कोई आधार है, पाकिस्तान हिंदुस्तान लोग करते रहते हैं, लेकिन यदि उस तरह के बाद भड़काओ यदि आचार संहिता के अंदर ही आता, भड़काओ बात नहीं बोलना चाहिए, यदि बोला है तो नियम संगत कार्रवाई होगा। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद एक देशद्रोही का बनता है। अरे जो भी है, हमने कहा किया कि नियम संगत नियमानुसार यदि उस तरह का कोई प्रूफ है, प्रमाण है, आधार है, तो उस पर कार्रवाई होगा। राज्य सरकार इस तरह के मामलों पर राज्य सरकार पर क्या चल जाते हैं, गंभीर हैं। अरे राज्य सरकार सरकारी सब करेगा, वहाँ प्रशासन किस लिए है? और गिरिडीह के अखबार लो अभी तक कोई नहीं पूछा, तो बोकारो का है, इतना आप लोग एडवांस हो जाते हैं।